एक्सपो स्टार्टअप फॉर लाइवलीहुड कार्यक्रम को इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हों तथा आइडियाज, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और उसके कॉमर्शियल उपयोग के लिए आवश्यक सुविधाएं और जानकारियां एक दूसरे के साथ शेयर की जा सके। पिछले 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इनोवेशन स्टार्टअप्स का एक ऐसा इकोसिस्टम में कह सकता हूं कि मजबूत होने लगा है, जिसकी शायद पहले यह देश कल्पना नहीं करता था। इस बात को मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में जम्मू कश्मीर यूटीज की कैटेगरी में पहले स्थान पर है और ये भारत सरकार की रैंकिंग है। ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है, अच्छा हुआ है, लेकिन अभी और अच्छा करने की संभावना है और आपकी क्षमता से मैं परिचित हूँ। यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों के टैलेंट को मैं जानता हूँ, मैंने अनुभव किया है। ये स्थिति हम बदल सकते हैं क्या? आज के अवसर पर ये हम तय कर सकते हैं कि अगली बार जब भी रैंकिंग जारी होगी तो यूटीज की श्रेणी में नहीं, स्टेट्स को मिला करके जो रैंकिंग बनेगी उसमें भी जम्मू कश्मीर टॉप 3 में दिखेगा। मुझे लगता है कि ये उद्देश्य लेकर के हमें काम करने की जरूरत है।